और ये हमारा प्यारा सा किचन छोटा सा, और सर बना रहे अभी अदरक वाली चाय, और यहाँ पे बन रहा है ब्रेड। ब्रेड ऑमलेट तो नहीं बन रहा है, ब्रेड के साथ थोड़ा मक्खन मक्खन लगा के ब्रेड बन रहा है। तो चाय मेरे साथ रहते रहते सर ने चाय भी बनाना काफी अच्छा सीख लिया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, अभी सर ने सुबह चाय बनाया है। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड, माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं पनवेल, क्योंकि पनवेल पे आज हमारा मीटअप है क्लाइंट के साथ में, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। और काफी मजा आ रहा है यहाँ पे मुंबई पे, काफी टाइम बाद में आया यहाँ पे और काफी मजा आ रहा है। और अभी चाय को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, सर ने काफी अच्छा चाय बनाया, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। सो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, और यहाँ से अभी 5 मिनट का रास्ता है। सो इधर से है लेफ्ट की तरफ टिकट काउंटर है, सर गए हैं टिकट लेने के लिए। मे बी इस टाइम पे उतना भीड़ नहीं होगा, सुबह में और शाम में काफी भीड़ होता है। सो फिलहाल स्टेशन तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी ट्रेन का वेट करते हैं इधर ही। फिलहाल अभी वेटिंग में हम लोग, और एक्चुअली ट्रेन से जाना क्यों अच्छा होता है कि एक्चुअली अगर यहाँ से हम ऑटो में जाते, एक तो टाइम का काफ़ी लोचा होता, टाइम काफ़ी लगता, और फिर खर्चा भी 150 रुपये लग जाता। अभी हम लोग ट्रेन पर जा रहे हैं तो 10 मिनट के अंदर में पहुँच जाएंगे, और जो पैसा खर्च हुआ है आप सोच नहीं सकते कि बंदे का 5 रुपये, यानी कि दोनों का 10 रुपये ना, 10 रुपये में कहाँ 150 रुपये लगता, अभी 10 रुपये में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। स्माइल देखिए, स्माइल हुआ। सो फिलहाल अभी गाड़ी पे बैठ चुके, और सर पिकअप करने के लिए लेके आ गए हम लोगों को, और अभी यहाँ से चलेंगे हम लोग पनवेल की तरफ, और फिर उसके बाद फिर लोनावाला वगैरह हम लोग जाएंगे। सो फिलहाल के लिए हमारा पनवेल पे मीटिंग ख़त्म हो गया आज का, और काफ़ी अच्छे से मीटिंग हुआ और अच्छा रहा। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं, आज हम पुणे की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग फिर घर की तरफ जाएंगे या फिर कांदिवली साइड जाएंगे, वहाँ पे भी कुछ मीटिंग है, तो यहाँ पे दोनों भी काफ़ी बिजी है मोस्ट। सो गाइस, फाइनली आज का मीटिंग काफ़ी अच्छा रहा, और आज हमने मीटिंग पे काफ़ी क्लाइंट के साथ में हमने मीटअप किया, तो काफ़ी अच्छा प्लानिंग रहा। और पिछली बार जब मैं आया था तो लोकल ट्रेन में मैं गया था, तो उस टाइम पे काफ़ी भीड़ था। अभी सुबह में मैं गया तो उस टाइम पे उतना भीड़ नहीं था, अभी नाइट में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, तो मेरे लिए भी नए नए चीज़ें एक्सपीरियंस हो रहा है, ये चीज़ मैंने पहले कभी किया नहीं था। तो बिज़नेस की वजह से काफ़ी हर जगह को मैं एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, और फिलहाल के लिए मे भी हम 1-2 दिन में फिर जयपुर जाएंगे, जयपुर से फिर हम दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ से भी मीटअप हमने रखा हुआ है। तो जितने भी लीडर्स जयपुर से या फिर दिल्ली से हमारे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो और मिल के काम कर सकते हो, काफ़ी बड़ा काम कर सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हो के भी आप एक अच्छा सा बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन पे या फिर ऑफलाइन पे कर सकते हैं, तो उस तरीके से मेरा जर्नी आपको दिखाता रहूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।